गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नारनौल से। गुरुजी, आज देश के हजारों नौजवान युवाओं का एक ही मत रहता है, एक ही परेशानी होती है कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने ऑफिस में, अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर क्या होता है कि हम अच्छा काम करते करते भी लोग हमारे अगेंस्ट इतने आ जाते हैं, जलने लग जाते हैं। ऑलरेडी हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सभी के साथ मिलजुल के आराम से रहते हैं, उसके बाद भी लोग मतलब इतने अगेंस्ट हो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जलने लग जाते हैं। तो उसके लिए आदमी की ग्रोथ को रोकने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं वो लोग, और आजकल कहते हैं कि बुरे लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे लोगों को दबाए जा रहे हैं बार बार। ऐसा क्यों होता है गुरु जी? इस चीज का क्या सोल्यूशन है कि आज एक अच्छा इंसान दिन प्रतिदिन मतलब अपने आप को ऐसे लोगों से ग्रस्त और हीन भावना अपने अंदर इतनी पैदा कर लेता है कि यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, एक अच्छा काम करते करते भी बहुत परेशानियां हैं। और आज का हर युवा हर नौजवान, चाहे वो बुजुर्ग है, जवान है, जो भी है, आज इन परिस्थितियों से इतना घिरा हुआ है। और आज वो लोग क्या करते हैं कि जो आज ठगी बाजार चलाने वाले और वो उनसे पैसे देकर अपना जीवन यानी कि अपने कष्ट दूर करवाना चाहते हैं, लेकिन आज लोग एक इस चीज को एक बाजार बना चुके हैं, आस्था के नाम पे एक ठगी का बाजार बना चुके हैं। और उस ठगी के बाजार से बचने के लिए ऐसा कौन सा प्रावधान है या ऐसा कौन सा मंत्र है हमारा, या ऐसे कौन से कर्म है जो कि हम ऑलरेडी अच्छा करते करते और भी अच्छा कर पाए, ताकि इन जैसे लोगों से भी बचाव किया जा सके और अपने आने वाले कल को लेके और अच्छी बेहतर लाइफ को सर्वाइव किया जा सके। जय श्री राधे। अभी अभी आपने हरियाणा से संदीप भाई का प्रश्न श्रवण किया। यह केवल एक संदीप का प्रश्न नहीं है, हमारे भारतवर्ष के हजारों भक्तों का, नव युवकों का यही प्रश्न है कि हम बहुत अच्छा करते हैं पर हमारे साथ ही अन्याय क्यों होता है, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। प्रायः घर की बहू बेटियां ये शिकायत करती हैं कि हम परिवार में जितने सदस्य हैं सबके प्रति में बहुत अच्छा हमारा भाव है और सबकी सेवा भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। बस ये आज का प्रश्न है और इसका बड़ा सुंदर सरल उत्तर भी हमारे शास्त्रों में दिया है। वास्तव में हम मनुष्यों का एक स्वभाव है कि हम वर्तमान को देखते हैं, हम कभी भूत को नहीं देखते। हमें केवल ये पता है कि इस समय जो हो रहा है ये सत्य है, पर हम जो कुछ करके आए हैं, अरे एक जन्म की बात देख लीजिए, बचपन में हमने क्या किया हमें जवान होते होते तक भूल जाते हैं, और जवानी में क्या किया वो बुढ़ापे में भूल जाते हैं। तो यहाँ तो अनंत जन्मों की यात्रा है। तो वास्तविक स्वरूप तो ये है, लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश देते हुए मानस में एक बहुत मूल्यवान चौपाई कह रहे हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कित करम भोग सब भाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, इस संसार में कोई माइका लाल किसी दूसरे को दुखी अथवा सुखी नहीं बना सकता, अथवा दुख सुख जो कुछ भी उसे प्राप्त हो रहा है उसका अपना ही पूर्व में किया हुआ कर्मफल है। परमात्मा दयालु इसलिए हैं क्योंकि हमारे न रहने के बाद भी हमारे कर्मों की लेखा जोखा उनके पास है और उसी के अनुरूप हमें वो आगे के जन्म में शरीर प्रदान करते हैं। तो इस प्रसंग से ये स्पष्ट हो गया कि जो दुख सुख आपको मिल रहा है वो आप ही के किए हुए कर्मों का प्रतिफल है। न्यूटन का थर्ड लॉ तो हम सबने पढ़ा ना, एक्शन टू रिएक्शन, अर्थात किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं, शक्तिपात करते हैं, तो वह वस्तु उतनी ही मैग्नीट्यूड में विपरीत दिशा में वो हमें बल लगाता है। तो इसका तात्पर्य कि जिस मात्रा में, जितनी परिमाण में आपने पूर्व में जो कर्म किया है वो संचित कर्म अगले जन्म में जब आप पुण्य भोगते हैं उस समय वो कर्म बाहर आ जाते हैं और आपको भोगना पड़ता है। देखिए इसका कारण है, आप इसको एक एजुकेशन लोन के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे आजकल कोई शिक्षा में आगे पढ़ने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, किसी बीटेक के बच्चे ने 4 वर्ष पहले प्रथम वर्ष में लोन लिया, अब प्रथम वर्ष में नहीं चुकाएगा, द्वितीय वर्ष में नहीं, 4 वर्ष तक चुकाएगा नहीं, फिर सरकार 1 वर्ष और अधिक उसको अवसर देती है कि भाई कहीं प्लेसमेंट हो तब तक तुम तैयारी करो, तो 6ठे वर्ष से तुम्हें लोन की किस्त आना शुरू हो जाएंगे, इन्हें आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार ये जीवात्मा भी अनंत जन्मों में लोन ले चुका है
अब लोन लेने के बाद में इस जन्म में चुकाने के लिए भोग शरीर तो है ये, भोगने के लिए हम आए हैं। तो जब भोगते 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 अचानक जब आप सत्कर्म तो कर रहे हो, पर सत्कर्म करते करते कुछ पुराने जो दुष्कर्म का फल है वो भोगने सामने आ जाते हैं। बोले तो अब क्यों आए? अब इसलिए आए कि वो संचित कर्म अब तक शिथिल अवस्था में, यानी चार वर्ष तक तो चुकाना नहीं था, पांचवें वर्ष में भी शिथिल था, चुकाना तो आपको छठवें वर्ष है ना। जब आप समर्थ है तभी तो चुकाओगे। तो जब आप पुण्य के द्वारा पाप को काटने में समर्थ हो, जब आप पुण्य कर्म करने लगे हो तभी तो आप उसको चुकाओगे। बोले हम पुण्य नहीं करते तो? बोले नहीं करते तो धीरे 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 बढ़ता रहता, कभी तो करोगे, और कभी नहीं करोगे तो इसी प्रकार चुकाते रहोगे, इसी प्रकार नरक पे वास मिलता रहेगा, कष्ट पाते रहोगे। तो इसलिए जीवन में कभी ना कभी सत्संग हो, कभी ना कभी अच्छे लोगों का संग, परमात्मा सबको एक अवसर देते हैं। और ये जो लोन है ना, ये सबको चुकाना है, केवल आपको मेरे को नहीं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को जो इस धरा पर लाए हैं, वो कितने अधिक पुण्यशाली होंगे? क्या वसुदेव जी कोई पाप आचरण करने वाला व्यक्ति आपको लगता है? अरे जिनके जन्म से जन्म होते ही आनक दुंधु की, यानी स्वर्ग में दुंधुवियां बज गई, वो कितना बड़ा पुण्यात्मा होगा। ऐसे वसुदेव के जीवन में ये क्षण क्यों आया कि विवाह के अगले ही दिन उनको कारागार में जाना पड़ा? कंस ने कारागार में हमारे ठाकुर जी के माता पिता वसुदेव और देवकी दोनों को बंद कर दिया, उनके जीवन में ये कष्ट क्यों आया? तो भगवान के पिता को भी यहां कर्मफल भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक कर्मफल भोगेंगे नहीं तब तक ब्रह्म का आगमन होगा नहीं, कृष्ण का आगमन नहीं होगा। और कृष्ण प्रति के आनंद के, हमारे जीवन में कृष्ण यानी आनंद, सच्चिदानंद है भगवान। तो हमारे जीवन में जो दुख हो रहे हैं क्यों? अब आपके पूर्व में किए हुए उन संचित पाप कर्मों का फल भोग लीजिए। और यदि आप स्वयं भोगने में असमर्थ है तो भगवान कहते हैं असमर्थ है तो मैं तुझे अपना नाम दे रहा हूं, मेरे नाम का जाप करके तू उन पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। हाँ वर्तमान में कुछ लोग ये भी कहते हैं तो समाधान क्या, हम लोग कोई ज्योतिष में जाते हैं, कोई बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास जाते हैं, तो कोई बोलेगा कि भाई देखो ज्योतिष के आधार पर तुम्हारे राहु की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, और सूर्य नीच का है, मंगल टेढ़ा है, वक्र है, ऐसे अनेक प्रकार के, और ये सब बातें सच हो सकती हैं, और हो सकता आपको निदान भी बताए। पर भैया यदि आप समर्थ हैं निदान करने में कि 10-20 हजार 50 हजार 1-1.5 लाख आपके पास है तो आप खर्च कीजिए और मुक्त हो जाइए दुखों से। पर ये नाम उपचार, परमात्मा ने कहा सब लोग समर्थ नहीं होंगे, सबके पास 10-20 लाख नहीं होते जो अस्पतालों में खर्चा करें, जो न्यायालयों में खर्चा करें, कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, सब जगह खर्च करें, ऐसा सबके पास तो ये उपलब्ध नहीं है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जिनके पास धन का अभाव हो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा अपना दुख कम करने? नहीं उसके पास कि वो बहुमूल्य रत्न धारण कर सके, नहीं उसके पास कि वो किसी को दे सके। तब भगवान ने कहा किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये ग्रह नक्षत्र तारे घूस नहीं लेते, मुझे भी तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, केवल श्रद्धा से यदि विश्वास के द्वारा मेरे नाम का आश्रय लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारे जीवन के समस्त कष्टों से निजात तुम पा जाओगे। और यही आदर्श भगवान शंकर ने, महाकाल ने भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब भगवान शंकर भी माता सती को समझा के हार गए तो हारने के बाद अंत में क्या बोले कि अरे देवी हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बड़ा वैसाखा। देवी तर्क वितर्क करने से क्या होगा, होगा वही जो श्री राम ने निर्धारित कर दिया, यानी तुम्हारे कर्म के आधार पर प्रभु ने जो निर्धारित किया वही हमें अगले जन्म में भोगना होगा। समझाने के बाद भी माता नहीं मानी तो उस समय भगवान शंकर ने हमें जो सूत्र दिया, क्या सूत्र दिया, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती गई परीक्षा लेने जहां सुख धाम, यानी भगवान श्री राम ही सुख प्रदान करने वाले, यानी परीक्षा भी लेने गई तो सुख धाम के पास जहां सुख और आनंद प्राप्त हो, इसलिए माता को मिला भी, ये शरीर छूटा और पार्वती का शरीर प्राप्त हुआ। तो भगवान शंकर हमें ये इस समस्या का समाधान, मैं नहीं, मैं हरिनामदास तो तुच्छ मानव हूं, साक्षात महाकाल, श्रावण में आप सुन रहे हैं, साक्षात महाकाल हमें बता रहे हैं कि अस कई लगे जपन हरिनाम, हरिनाम का आश्रय लीजिए। इसलिए हरिनाम के बिना पूर्व जन्म के किए हुए जो कर्मफल हमारे सामने आते हैं जब तक उनको भोग नहीं लिया जाएगा तब तक श्री कृष्ण के रूप में कारागार माने भोग, और कारागार में भगवान का प्रागट्य होना है। तो हमारे बंगाल में कहावत है कि कष्टो ना कर ले कृष्ण पावा जाए ना,
यानी कष्ट के बिना कृष्ण का आगमन नहीं, तो इसलिए अपने कष्टों को भोग लीजिए, और भोगने में असमर्थ हैं तो भगवान का नाम ले लीजिए, क्योंकि कर्म फल तो सबको भोगना पड़ेगा और नाम सुलभ है, निशुल्क है। भगवान नाम का आश्रय लीजिए, सुखी रहिए। श्री राधे।